हेलो दोस्तों मैं हूं आपका फ्रेंड नागेंद्र कुमार वर्मा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जनरल टिप्स ए डी में दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे ये क्रैम्पटन का सेलिंग फ़ैन है इसी का हम रियल डाटा देखेंगे रियल डाटा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है इसका स्वीप है 1200 सौ mm एम और वोल्टेज जिस पर ये चलता है जिस पर ये वर्क करेगा ये 220 और 240 सौ वोल्ट ए के बीच में होगा और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो पचास हटच की है तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको इसमें छोटी से छोटी बात को भी ध्यान में रखना है आप चाहें तो इसको इतना भी रिपेयर कर सकते हैं इतना क्वाइल रिवाइंड कर देंगे तो ये सही हो जाएगा लेकिन लेकिन इसको हम पूरा रिवाइंड करेंगे कस्टमर का ये कहना था हम वहीं पर इसको खोल कर दिखा दिए थे उनका कहना था कि इसको पूरा वाइंड करना है तो दोस्तों हमें इसका वाइंडिंग डाटा देखने से पहले इसको इस धागे को काट के और इसका कनेक्शन हमें देखना होगा कभी कभी क्या होता है कि इस वाइंडिंग को एक कॉयल में दो वायर्स लेकर लपेटा गया होता है ठीक है दो वायर्स के साथ इसका वाइंडिंग हुआ होता है तो हम इसके कनेक्शन पे देखेंगे यहाँ पे दो वायर हैं या सिंगल वायर है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फैन का तीन वायर निकला हुआ है और ये कंपनी से ही आता है बहुत कम लोग तीन वायर के साथ इसके वाइंडिंग कर पाते हैं ये कंपनी से ही ये तीनों वायर निकले हुए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका वाइंडिंग भी कितना फिनिश है और ये हंड्रेड वाइंडिंग डाटा क्रैम्पटन कंपनी की ही है ये पहली बार जला है पहली बार वाइंडिंग करने के लिए हमारे पास आया है तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस क्वाइल पर उंगली रखिए और आगे गिनिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये टोटल बारह स्लॉट का सेलिंग फैन है दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको मालूम होगा कि बाहर का स्लॉट जितना होता है अंदर का भी स्लॉट सेम होता है लेकिन आपको हम गिनकर दिखा देते हैं काउंट करके बता देते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अंदर भी बाहर स्लॉट है और बाहर भी बाहर स्लॉट है तो बारह स्लॉट का जितना भी सेलिंग फैन होते हैं वो नॉर्मल वाले से चौदह और सोलह स्लॉट से इसका स्पीड अच्छा होता है ज़्यादा होता है तो चलिए हम इस कटर की मदद मतलब से इस कनेक्शन को यहाँ से काट कर हटा देते हैं ये कट गया है अब इस धागे को भी काट कर निकाल लीजिए और आप अंदर के किसी एक कनेक्शन को और बाहर के बाहर वाले क्वायर के किसी एक कनेक्शन को जब आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे दो वायर से वाइंडिंग हुआ है या फिर एक वायर से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो वायर निकला हुआ है अभी इसको हमको पीछे की तरफ निकाल के उसको देखना होगा उससे पहले हमें ये कैप निकालना है तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैं इसी की बात कर रहा था यहाँ पे दो वायर से इसकी वाइंडिंग हुई है अभी ये कंफर्म नहीं है आपको पीछे से इस वायर को निकाल के और दो राउंड कम से कम इसको छुड़ाना होगा ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये डबल से वाइंडिंग हुई है कि नहीं तो चलिए इसको पीछे ले कर यहाँ से इसको ऐसे पीछे खींच के और इस वायर को यहाँ पर लाना होगा देखिए ये वायर पीछे की तरफ आ गया है तो आप ध्यान देंगे तो ये आपस में ट्विस्ट किया गया है और ये वायर यहाँ से सिंगल हो जा रहा है यहाँ तक ही बस डबल है तो क्या होता है कंपनी से जब इसकी वाइंडिंग की जाती है तो इसको लास्ट वाले वायर को डबल मोड़ दिया जाता है उसके बाद से हमारे लूप वायर में इसको सोल्डरिंग किया जाता है ताकि स्लिप के अंदर से वायर फ्यूज की तरह ना टूटे तो देखिए यहाँ पे ये डबल है तो आप इसको देख कर कन्फ्यूज ना हो जाइएगा कि ये डबल है हमारे कहने का मतलब ये है मान लीजिए आपने इसके क्वाइल को काटा और इसको काउंट किया तो आप सिंगल सिंगल काउंट करेंगे जब आपको जानकारी रहे कि ये सिंगल वाइंडिंग है तो तो यानी कि अगर 400 वायर पड़े हैं तो 400 सौ देंगे अगर इसकी वाइंडिंग डबल है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा था कि ये डबल वायर से वाइंडिंग की गई है यहाँ पे ये अगर मान लीजिए डबल वायर से वाइंडिंग की गई है तो इसको आप चार सौ गिनेंगे तो दो ही सौ टर्न डालेंगे तभी तो ये चार सौ हो जाएगा तो आपको इस बात को ध्यान रखना है अभी ये फिलहाल सिंगल वायर से बांधा गया है और ये छत्तीस नंबर का वायर है तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे पहले हम इस एक कॉयल को काट करके इसको इसका पूरा टर्न काउंट कर लेते हैं दोस्तों हमारा अंदर वाला भी कॉयल सिंगल वायर से ही वाइंडिंग किया गया है ये हमारा बाहर वाला आप देख रहे हैं ये इसमें एक एक गुच्छा जो वायर का एक एक गुच्छा है ये सौ सौ टर्न का है ये पूरा चार सौ टन है आप देख सकते हैं ये पूरा चार सौ टन है जो हर वाले कॉयल का है आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा है आउटसाइड यानी बाहर वाला कॉयल में चार सौ टन है और उसके बाद से आउटसाइड और इनसाइड यानी कि बाहर वाले कॉल और अंदर वाले कॉल दोनों में छत्तीस नंबर ही तार से ये फैन वाइंडिंग होगा ठीक है आप देख लीजिए ये अंदर का कॉयल है ये हमारा अस्सी टर्न है जिसको मैंने पेंट कर रखा है और ये सौ सौ टर्न है यानी कि तीन सौ अस्सी टर्न है हमारा ये इन साइड का ठीक है तो हमारा ये वाला कोयल अंदर वाला कोयल इन साइड वाला कोयल रनिंग होगा ठीक है और ये बाहर वाला जो आउटसाइड है वो स्टार्टिंग होगा ठीक है जिस कॉयल में टर्न कम हो वही रनिंग होता है चाहे वो अंदर डाला गया हो या बाहर डाला गया हो इस हिसाब से हमारा जो बाहर वाला कॉयल है वो स्टार्टिंग है और अंदर वाला रनिंग है आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स